हरियाणा राज्य परिवहन विभाग आरटीओ एवं जिला पुलिस की ओर से सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम को लेकर 11 से 17 जनवरी तक सड़क जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज करनाल के माल रोड पर आने जाने वाले वाहन चालकों को सीट बेल्ट, हेलमेट व अन्य यातायात के उल्लंघन करते पाए जाने पर गुलाब का फूल देकर उनको जागरूक किया गया, ताकि वह भविष्य में यातायात के नियमों का पालन करे और स्वयं वह दूसरों को दुर्घटनाओं से बचाए रखे। आरटीओ डिपार्टमेंट के जोगिंदर सिंह ढूल ने बताया कि हर वर्ष यह अभियान चलाया जाता है, जिसके अंतर्गत विभिन्न लोकेशन पर जाकर लोगों को जागरूक किया जाता है। इसके अलावा शुगर मिल में जाकर ट्रैक्टर ट्रॉली पर रिफ्लेक्टर टेप लगाई जाती है, ताकि रात के समय कोई दुर्घटना ना हो। उन्होंने कहा कि इसके अलावा भी पूरे सप्ताह भर कई प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाएंगे, जिसके अंतर्गत टोल प्लाजा पर वह अन्य स्कूलों में जाकर सड़क सुरक्षा जागरूकता के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस मौके पर रोड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन की ओर से जेआर कालरा ने सभी जिला वासियों से अपील करते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा का पालन अवश्य करें और दुर्घटनाओं से बचे। देखिए एक रिपोर्ट। चार सर, हम आगे से हेलमेट अपने साथ कैरी करेंगे और हम ट्रिपली हो सकेगा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक्टिवा नहीं होती है। हम जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हम लोग ट्रिपली करते हैं, तो बस कोई ऐसा नहीं है कि हम ट्रिपली करना चाहते हैं। तो हेलमेट का तो प्रयोग बाद में करेंगे, आप तीन सवारी बैठे हैं ट्रिपल राइड, कानून तो आप डबल तोड़ रहे हैं। ये हम लोग नहीं करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, शुक्रिया। ये 31वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे देश भर में दुर्घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। जब हम सुबह उठ के अखबार पढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा खबर हमारे अखबार में सड़क दुर्घटनाएं की मिलती हैं। कहीं मोटरसाइकिल बाइक एक्सीडेंट हो गए, दो एक्सपायर हो गए, कहीं कार में चार हो गए, कहीं पूरी गाड़ी में 12-12 भी एक्सपायर हो गए। सड़क दुर्घटना असली चीज़ क्या है, जिसके घर से कोई मौत होती है उसको असली सड़क दुर्घटना के बारे में पता लगता है, असली दुख उसको बताते हैं। हरियाणा सरकार इसमें परिवहन विभाग, पुलिस विभाग और अन्य विभाग सब मिलकर ये 11 जनवरी से 17 जनवरी तक पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। इसमें प्रत्येक दिन अलग अलग कार्यक्रम करवाए जाएंगे। जैसे आज इसका पहला दिन था, इसमें वाहन चालकों को फूल देकर जागरूक किया जा रहा है। वे आप गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें, मोटरसाइकिल पर जाते हुए हेलमेट का प्रयोग करें, ओवरलोड ना करें। उसके बाद जब भी कभी आपने सड़क पर जाना हो, अपनी लेन में चलें। तो ये प्रतिदिन प्रोग्राम अलग अलग चलेंगे, जैसे कि आज यहाँ से शुरुआत की गई है और 17 तक ये प्रोग्राम लगातार जारी रहेगा। आप सभी साथियों के माध्यम से बताना चाहूँगा कि दिनांक 11 से 17 जनवरी 2020 में पूरे देश लेवल पे और प्रदेशिक स्तर पर सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति हम सभी जो हमारे नागरिक जन हैं उनको अवेयर करने का, उनको जागरूक करने का काम कर रहे हैं। समय समय पर यह अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन ये बड़े मास स्केल पे पूरे देश और प्रदेश स्तर पर मनाया जा रहा है, जिसको बड़े त्यौहार के रूप में हम मना रहे हैं कि जो भी वायलेटर है, सड़क नियमों की अनदेखी कर रहे हैं, उनको अभी हम जागरूक कर रहे हैं। उनको हमारे माध्यम से फूल दिया जा रहा है और उनसे बड़ी विनती और प्रार्थना की जा रही है कि आप कृपया करके अपने जो सड़क सुरक्षा नियम है उनकी पालना कीजिए, जान और माल की सुरक्षा से अपने आप को बचाएं। सड़क हादसों में बहुत ज़्यादा मौतें हो जाती हैं, अवेयरनेस लोगों में नहीं आ रही है, तो पुलिस का ये अभियान कितना सफल रहेगा? मैं इसी बारे में है, बेसिकली आज के समय में सड़क हादसे हाईवेज पे और स्टेट हाईवेज पे बहुत बढ़ते जा रहे हैं, जिसका मुख्य कारण यही है कि हमारी जो जागरूकता है कहीं ना कहीं उसमें कमी है, लोग नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत हमारा जो ट्रैफिक विभाग है करनाल पुलिस की तरफ से एसपी साहब आईजी के निर्देश के अनुसार हम इस जागरूकता अभियान को चला रहे हैं, साथ में हमारी जो ट्रांसपोर्ट विभाग है यहाँ का वो भी इसमें सहयोगी है और समय समय पर हम पहले भी इस तरह के आयोजन कर रहे हैं और अब दोबारा से इस वीक में हम लोगों को और अति जागरूक करना चाह रहे हैं। हमारे नागरिक जो हैं जागरूक बिल्कुल नहीं है, लापरवाह है, केयरलेस है, चलान भी करवाते हैं और चोटिल भी होते हैं, घायल भी होते हैं, कई बार मौतें भी हो जाती हैं, फिर भी नहीं समझते। हम समय समय पर इनको जाकर समझाते रहते हैं और ये उसी सिलसिले में आज का ये प्रोग्राम हमारा हो रहा है। सड़क सुरक्षा संगठन पुलिस के साथ मिलकर इस चौक पे जो हम कार्रवाई कर रहे हैं, लोगों को यातायात के
प्रति जागरूक कर रहे हैं, उनके चलान नहीं कर रहे हैं, जो वो कमियाँ हैं उनकी उनको फूल देकर सम्मानित कर रहे हैं और उनको ये कह रहे हैं कि कल से आप ये गलती ना करना, कल आपके चलान होंगे और चलानों की कीमतें भी बहुत बढ़ गई है, पहले से बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं चलान। हम लोगों को जागरूकता भी चला रहे हैं 11 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक प्रदेश में भी और पूरे देश में ये अभियान चल रहा है। ये पहले भी इस तरह के अभियान चलाए गए। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।